हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अपनी पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ तो नाराजगी का इजहार करते रहे हैं और आज यकीनन वो करेंगे भी, लेकिन इस वक्त वो वहां पर मौजूद कारकुनान से इजहार नाराजगी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आवाज सही तरह नहीं पहुंच रही, जो टेक्निकल लोग हैं जो उनका माइक सिस्टम लगा चुके हैं वहां पर, उनसे भी शदीद नाराज दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये माइक को सही किया जाए ताकि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर सकें। कुर्सी पर बड़े जमान हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, आपसे कुछ लम्बों बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आज कुछ मुझे भी लग रहे हैं अली, अगर हम ये कहें एम क्यू पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार कुछ लम्बों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आज उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी डल लग रही है, वो यकीनन नाखुश लग रहे हैं अपने। आप ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बराए रास्त देख सकते हैं कि फारूक सत्तार थोड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, दाएं बाएं आगे पीछे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई सीनियर रहनुमा उनके मौजूद नहीं है। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं फारूक सत्तार तो दाएं बाएं अहम लीडरान होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं एक ही कुर्सी है उस पर फारूक सत्तार बड़ा जमान है और बहुत ज्यादा शिकवे शिकायतें कर रहे हैं, टेक्निकल टीम से भी कर रहे हैं और कारकुनों से भी कर रहे हैं। चेहरा आप उनका अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंतहाई बुझा बुझा सा नजर आ रहा है। बिल्कुल अली, और कारकुनान की भी बड़ी तादाद मौजूद है और वो इसीलिए मौजूद है कि अपने नाराज सरबरा अपने नाराज रहनुमा को मना सके। बेटा फयाज भाई आप बैठ जाएं यार, थोड़ा पीछे हट जाएं प्लीज यार। नदीम जुबैरी भाई बैठ जाएं या पीछे हट जाएं। शब्बीर भाई पीछे धक्का लगाएं थोड़ा सा, सबको पीछे हट जाएं। मेरी आवाज मौजूद साहबी हजरात, फोटोग्राफर कैमरामैन साथियों तक पहुंच रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक साफ तरीके से पहुंच रही है? अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सहाफी हजरात, फोटोग्राफर कैमरामैन दोस्तों और यहां मौजूद एम क्यू एम दान के जिम्मेदारों, कारकुनों और एम क्यू एम पाकिस्तान को मानने वालों और चाहने वालों, अस्सलामु अलैकुम। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि वो इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर यहां तशरीफ लाए, इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां मौजूद हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं यहां मौजूद तमाम शुरुका से जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इंतहाई खामोशी इख्तियार करें ताकि मेरी गुफ्तगू ना सिर्फ मीडिया
कि यहाँ मौजूद दोस्त सुन सके, बल्कि मीडिया के तवस्सुत से हर खास व आम पाकिस्तानी भी मेरी बात से आगाह हो सके। आज एक अहम ऐलान के लिए मैंने आप सबको जहमत दी है। मैं अपने इस अहम ऐलान और फैसले से आपको इस गुफ्तगू के आखिर में आगाह करूंगा, लेकिन जो फैसला मैं करने जा रहा हूं, जो ऐलान में करने जा रहा हूं, मैं जरूरी समझता हूं कि उसके मुहर्रिकात और अवामिल आपके सामने रखूं। मेरी गुफ्तगू इंतहाई अहम है। चौथी बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सेनेट में, पाकिस्तान की सेनेट में तीसरी बड़ी जमात है। एमक्यूएम पाकिस्तान सिंध की दूसरी बड़ी जमात है और सिंध के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी जमात है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह इस वक्त हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने तमाम मीडिया अरकान का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं तमाम मीडिया अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं जो इंतहाई कलील वक्त में यहां आए। यहां मौजूद तमाम शुरुआत से गुजारिश करूंगा कि इंतहाई खामोशी से मेरी गुफ्तगु सुनी। साला सियासी सफर का एक जिस्ट और खुलासा आपके सामने रखूं। मैंने APMSO ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज से 38 साल पहले सिंध मेडिकल कॉलेज में 1979 में ज्वाइन की थी, अप्रैल का महीना था, और APMSO को कायम किया था अल्ताफ हुसैन साहब ने 1978 11 जून, और फिर इस 38 साल में जब 8 अगस्त 1986 के जलसे निश्तर पार के तारीखी जलसे से MQM एक अवामी जमात बनी, और फिर उसके बाद हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने तमाम इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल की। मैं आपको उस तफसील में नहीं ले जाना चाहता, वो तारीख मेरा सियासी सफर और मेरे का सियासी सफर आपके सामने है और रुफका रहे उनका सियासी सफर आपके सामने है। इन 38 सालों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मेरी गुजारिश होगी कि वो पाकिस्तान के तमाम सियासी रहनुमाओं के घर, उनके बैंक बैलेंस, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कारोबार, उनकी जायदादें कम से कम एक मर्तबा वो 2018 के इलेक्शन से पहले PMLN के जो भी रहनुमा हैं, चाहे शरीफ खानदान हो, जो भी पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा हो,
कि घर मकान जो बैरून मुल्क उनकी जायदादें हैं, उनके बैंक बैलेंस है, उसका एक तकाबुली जायजा और चार्ट 2018 के इलेक्शन से पहले जरूर पेश करें। ये मेरी रिहाइश 268 पीआईबी कॉलोनी, घर का नंबर 268 पीआईबी कॉलोनी। मैं यहां 1968 से मुकीम हूं, जब मैं गालिबन पहली जमात का तालिब इल्म था, और उसके बाद से लेकर आज तक यही मेरी प्रॉपर्टी है, जिसमें मेरे अलावा मेरी तीन बहनों का भी हिस्सा है, जो मेरे वाले साहब के इंतकाल के बाद ये मेरी प्रॉपर्टी है। मैं चैलेंज करता हूं, मेरा एक बैंक अकाउंट है यहां, आप जब कहेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। मेरा गोशवारा, मेरी आमदनी का या खराजात का जो गया है, वो भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या एफबीआर में, उसे भी आप जब चाहें देख सकते हैं, मैं पेश कर दूंगा। इस प्रॉपर्टी और एक बैंक बैलेंस के अलावा अपनी नहीं है। कल पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब ने एक मफाहिमती फिजा में बड़ा बारीक काम किया, अपनी लैंड क्रूजर का कहा कि दोस्तों की है, तो मुझे भी ये मेरी मॉडल कौन सा है, उनकी लैंड क्रूजर का मॉडल कौन सा आए, और आप भी ये तहकीक करें। मेरी लैंड क्रूजर 2007 या 2006 का मॉडल है, सेकंड हैंड गाड़ी है, मैंने सेकंड हैंड गाड़ी टोयोटा मोटर्स वालों से ली, मेरे पास सिर्फ 18 लाख रुपए थे, वो 35 लाख की गाड़ी थी, 17 लाख अभी भी मुझे टोयोटा मोटर्स वालों को देने हैं। पीएसपी के रहनुमा मुस्तफा कमाल साहब की लैंड क्रूजर की कीमत लगा लें, नई गाड़ी है, है? एक मिनट ठहर जाए, जरा यार नारे ना लगाएं, प्लीज नारों का मना कर दें, है? 3.25 करोड़ की, ये मुझे नहीं बता रहा हूं कहां से खरीदी गई, किस कार डीलर से ली गई मुझे मालूम है, और फिर उनके साथ जो दूसरे रहनुमा है उनकी गाड़ी भी 3.75 करोड़ की है। अगर ये कल लैंड क्रूजर का जिक्र ना होता, खुदा की कसम, कल जो महाजरों की तजलील हुई है कराची प्रेस क्लब में, कल जिस तरह जमहूरियत का महाजरों के मैंडेट की तजलील हुई है, इससे पहले कभी ना मैंने ऐसा सोचा, ना मेरे बुजुर्गों ने इससे पहले कभी ऐसा कोई वाकया देखा। हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, और अगर महाजर सियासत कर रहे हैं, महाजरों की बका और सलामती के लिए सियासत कर रहे हैं, तो खुदा की कसम हम वालों को अगर बचा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान को बचाने की सियासत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, 18 लाख मेरे, 17 लाख अभी मुझे देने हैं। उन बेचारों ने भी पलट कर ये नहीं कहा कि फारूक भाई 17 लाख कब देंगे, सुन लीजिए, उन बेचारों ने भी पलट कर नहीं कहा, वो है मुझ पर कर्ज है, किसी तरह मैं उतारूंगा उसे भी। अब बुलेट प्रूफिंग के 40 लाख ख्वाजा सुहेल मंसूर मेरे एमएनए ने मुझे दिए, और कहा जब आपके पास वो दे दीजिएगा,
जब आपके पास वो दे दीजिएगा, उन्होंने भी पलट कर नहीं कहा कि ये कर्ज है या मैंने दोस्ती में दिए हैं। बहरहाल उन्होंने भी पलट कर 40 लाख उन्होंने दिए। कितने हो गए भाई? 35 में 40 मिलाए तो 75। इसी तरीके से उसके ब्रेक शू के 5 लाख रुपए लगे। कौन सा ब्रेक शू? लेड वाला। वो 5 लाख जिस डीलर से लिए, मैं उसके नाम बिचारे का नहीं लेना चाहता क्योंकि दो बार वो भी अगवा हुआ है। मैं उसका नाम बिचारे का नहीं लेना चाहता। उसने भी ब्रेक शू लगा दिए लेकिन पैसे नहीं मांगे। और वाजे रहे, मैंने कभी अपनी सियासी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी अपने इख्तियारात से तजावुज नहीं किया। जब मेरे पास सरकारी पोजीशनें भी होती थी तब भी नहीं किया। और ये ब्रेक शू देने वाले को 40 लाख की बुलेट प्रूफिंग, ख्वाजा सुहेल मंसूर को मैंने कोई फायदा जिंदगी में नहीं पहुंचाया। मुबादा खुदा ना खास्ता आप ये ना समझे कि मैंने कोई फेवर लिए उनसे और उनको फेवर दिए, ऐसा हरगिज नहीं। उन्होंने अखलास और मोहब्बत में मुझे उस वक्त ये बुलेट प्रूफ गाड़ी बना कर दी जब 2013 के इलेक्शन में तालिबान दहशतगर्दों से, इंतहा पसंदों से हमें खतरा था। हमारे दफातर पर हमले हो रहे थे, हमारे कई कारकुनान शहीद हुए थे, हमारे कई दफातर पर हमला हुआ था, आपको याद होगा। चले मैं इस बात, तो ये कितने की गाड़ी हो गई भाई? 75 और 5, 80 लाख। को टायर भी चेंज कराए थे, वो भी एक दोस्त से उधार लिए, अब तक वापस नहीं। तो 17 लाख में मुझे 90 लाख की गाड़ी मिल गई भाई। अब वो हिसाब दें कि 3.5-3.5 करोड़ की गाड़ी उन्होंने कैसे ली, पहले तो वो हिसाब दें। जिन्होंने कल जिक्र किया एक मफाहिमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि फारूक भाई के पास लैंड क्रूजर है, वो बच जाएंगे, मैं भी बच जाऊंगा, तो तय हो जाए कि फारूक भाई के पास लैंड क्रूजर कैसे आई और आपके पास लैंड क्रूजर कैसे आई। आए इसी पर बात हो जाए। और ये पैसे मेरे पास कहां से आए? मैंने आपको 90 लाख का हिसाब दे दिया। फिर वो भी हिसाब दें कि उनके पास कहां से पैसे आए। पार्टी ने उनको घर दिया था, उस घर की रकम उन्होंने वापस नहीं लौटाई। हां, मुझे इसमें जो 5 लाख आखिरी मैंने कहे वो पार्टी ने दिए, जो दोस्त मैंने कहा वो मैंने पार्टी से अल्ताफ हुसैन साहब की इजाजत से वो 5 लाख, और अनीस कायम खानी उस वक्त 90 पर बैठते थे तो उनसे पूछ कर वो 5 लाख रुपए मैंने पार्टी से लिए थे। और मैंने ये हिसाब लिख कर राबता कमेटी को दिया था, और ये हिसाब लिख कर मैंने लंदन भी भिजवा दिया था। तो मेरी लैंड क्रूजर तो इस तरह आई है, आप बताएं आपकी लैंड क्रूजर कैसे आई। और मैं इसी घर में रहता हूं जो मेरे वालिद के नाम है, और हम 4 बहन भाइयों में इसकी तकसीम होगी। आपका घर कैसे आया? खयाबाने शहर का घर कैसे आया? खयाबाने शहर का ऑफिस कैसे आया? बहादुराबाद का ऑफिस हमारा अपना है, पार्टी का। बाकी ऑफिस कहां से आया? मेरे ख्याल में अवाम की सियासत करने वालों को अब यह हिसाब देना चाहिए। 2018 के इलेक्शन से पहले पहला हिसाब हर सियासी जमात के सरबरा को देना चाहिए, हर सियासी जमात के सरबरा का होना चाहिए अवाम के सामने कि कौन इस काबिल है जो इस पूरी कौम को लीड कर सकता है। हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर मिडिल क्लास और आम पाकिस्तानी की सियासत किसी ने की है तो वो MQM ने की है, MQM पाकिस्तान ने की है। और मेरे वालिद ने ये घर 1968 में 25,000 रुपए का खरीदा था, जिसमें से 13,000 उनके थे, 12,000 उन्होंने भी कर्ज लिया, जो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी तनख्वाह से अदा कर दिया।
ये हकायक भी पाकिस्तान के 21 करोड़ आवाम को जानना ज़रूरी है। फिर तीसरी बड़ी जमात PMLN का मैंने कहा, पीपल्स पार्टी का कहा, उनके सरबरा, PTI के भी सरबरा, ANP के सरबरा, JUP के सरबरा, जमात इस्लामी के सरबरा। पहले तो सरबरा अपना अपना हिसाब दें कौम को, सबसे पहले तो ये करें। अब आइए इस बैकग्राउंड के बाद, मुझे पार्टी की तरफ से 7 मरतबा टिकट मिले, 2 मरतबा मैं सूबाई असेंबली का मेंबर रहा और ये 5वीं मरतबा मैं MNA हूँ। गोया मैं 7वीं मरतबा सूबाई और कौमी ऐवान में मुंतखब हुआ हूँ। बाकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। मेयर कराची भी कम उम्री में 27.5 साल की उम्र में, 1988 में मैं 27 साल की उम्र थी जब मैं मेयर कराची बना, 1988 में। फिर 92 के ऑपरेशन के बाद मैं भाग कर नहीं गया, मैं मुल्क में ही रहा, अपने साथियों और कारकुनों के दरमियान रहा, मैं कहीं बाहर जाके मुकीम नहीं हुआ, मैं उनके दुख दर्द गम खुशी में यही उनके साथ मौजूद रहा। और इस अरसे में मैंने 5 साल असीरी के भी भुगते, 3 साल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दूसरे दौर में, 94 में गिरफ्तार हुए, 97 में रिहा हुआ, मुकदमात बने, फेस किया, एक मुकदमा भी NRO के तहत ख़त्म नहीं कराया, सारे मुकदमात अदालत में फेस किए। फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब के एहतसाब, बेरहम एहतसाब में जहां बाकी सियासी जमातों के रहनुमाओं की भी पकड़ धकड़ हुई, तो मुझे भी चूंकि मैं नुमाया था पार्टी की सियासत में, नुमाइंदगी में, उस वक्त वजीर रहा था मकामी हुकूमत का, बल्दियाती इदारों का, तो मुझ पर एक इल्ज़ाम PMLN की दूसरी हुकूमत ने लगाया था, तो उसी इल्ज़ाम को कैरी किया गया। मैं अटक किले में भी सख्त तरीन सहूबतें झेल कर आया, अटक किले में, अटक के किले में, उसकी तफसील किसी दिन और इंशाअल्लाह। वहाँ क्या सूरत हाल थी, जंदान खाने में 1 महीने तक रखा गया। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तो बड़े कमरों में थे, यहाँ सेल में ज़रूर थे कराची में, लेकिन सेल जिसमें रोशनी आती थी सूरज की, जिसमें सलाखें थी सामने ताकि बाहर का मंजर नज़र आए, 1 महीने में जिस सेल में रहा उसमें चारों तरफ लोहे का दरवाज़ा, 3 तरफ दीवारें, सख्त सर्दी का मौसम। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, कहने का मकसद ये मेरे सर्दी का मौसम, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। कैमरामैन दोस्तों, इस तारुफ के बताने का मकसद ये है कि मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए आज पेश किया है, इसका मतलब आज मेरे लिए मेरे सियासी सफर में ये एक अहम दिन है, मेरे लिए जब मैं ये कर रहा हूं इसका मकसद आपको समझ आएगा। अब इसके बाद आपको ये मालूम है कि हम किन नशेब व फराज से गुजरे। अच्छा, वो NAB का केस सुप्रीम कोर्ट ने, NAB अदालत ने मुझे सजा दी थी, 14 साल कैद बामुशक्कत, 21 साल सियासत से बाहर, नाअहल, डिस्क्वालिफाइड। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि केस क्या है और इल्ज़ाम क्या है, और हाई कोर्ट को हुक्म दिया कि इस केस को देख के फौरन फैसला करें। 1 माह में लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, सिंध हाई कोर्ट ने नहीं, मुझे बाइज्जत बरी किया। उस वक्त के NAB के मुकदमे में मुलविस किए जाने वाले किसी भी जमात, मुख्तलिफ जमात के
मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं में मैं पहला होकर बाहर आया। ये सारी बातें करने का एक मकसद है। मैं ये बताना चाहता हूं कि कराची हो या पाकिस्तान हो, इंजीनियर्ड सियासत नहीं चल सकती। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। इंजीनियर्ड सियासत नहीं चल सकती, नेचुरली सियासत चलेगी, फितरी और कुदरती तौर पर चलेगी, जो आवाम के दिल उसी हुकूमत होगी, किसी और की हुकूमत नहीं हो सकती। किसी और की हुकूमत नहीं हो सकती। ये बात करने का मकसद यह है कि हमने इंतहाई नेक नियति के साथ, अखलास के साथ कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने टू दी पॉइंट बात की। एक सियासी इत्तहाद की बात की, जो कि आगे जाके एक इलेक्शन अलायंस या इलेक्शन इत्तहाद में भी तब्दील हो सकता है। थोड़ा गुज़िश्ता एक साल की भी बात बता दूं, 23 अगस्त को हमने किन हालात में पार्टी को टेक ओवर किया, आप सब इस बात के गवाह। पूरा मुल्क आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े हुए, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, पाकिस्तान के अंदर सियासत करने के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान की सियासत करने के लिए खड़े हुए, सियासत करने के लिए खड़े हुए। ये आप गवाह इस बात। और इस एक साल में 80% MQM को इंटैक्ट रखकर 30 दिसंबर का जलसा कितना बड़ा था, नहीं था, गुज़िश्ता साल जो पहला हमारा अवामी ताकत का मुजाहरा, यानी 23 अगस्त के चंद महीने के बाद, फिर 23 अप्रैल को हमने एक रैली निकाली, फिर 13 मई को हैदराबाद में एक रैली निकाली इस साल, और जो हमारा 5 नवंबर 2017 गुज़िश्ता इतवार का जलसा है, दुनिया ने देखा, और वो मीडिया जो अक्सर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ टिकर चलाता है, हर मीडिया ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, और प्रिंट मीडिया में तो बजाय तौर पर इस बात को तस्लीम किया गया कि कराची की हालिया तारीख का वो सबसे बड़ा जलसा था। था या नहीं था, आप लोग भी मानते तो हैं भाई, कोई जबरदस्ती तो नहीं है। एक बड़ा जलसा, एक अहम जलसा, एक कामयाब जलसा। और उस जलसे में हम क्या कह रहे हैं, 5 नवंबर और कल थी 8 नवंबर, यानी 4 रोज पहले जलसे में हम कह रहे हैं, औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, है औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की। देखो कह रहा है नादान, नाम मिटाने की।
बस बस मैं ये भाई साहब भैया जरा जरा खामोश रहें प्लीज। 5 नवंबर को हम ये शेर पढ़ रहे हैं कि औकात नहीं है आंख से आंख मिलाने की, दावे कर रहा है नादान नाम मिटाने की। अरे जिस नाम पर हम जीते हैं मरते हैं उसको हम मिटा देंगे, ये कैसे किसी के जहन में बात आ गई भाई? एक तारीख को मिटा देंगे, अपनी कुर्बानियों को मिटा देंगे, अपने शहदा के लहू से बेवफाई करेंगे। चले भाई बात सुनो, ये टाइम कम है भैया। मैं ये कहता हूं आप PSP बना लें, आप हकीकी बना लें, आप महाजर इत्तेहाद तहरीक कुछ भी बना लें, लेकिन यार ये आपकी कौम के इस आवाज, आप अपने शोहदा को कैसे भुला सकते हैं? आप अपनी कुर्बानियों को कैसे भुला सकते हैं? आप कोई भी नाम रख लें, लेकिन यार 30 साल आपने भी इन्हीं लोगों के साथ सियासत की है। कितने शहीदों के घर पर भाई, आपका गुस्सा तो लंदन वालों पर है, अल्ताफ हुसैन पर है, इन शहीदों का क्या कसूर था? अगर ये बेकसूर भी मारे गए इनके घरों पर तो आपको कम से कम जाना चाहिए था। देखें मैं कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये रवैया इख्तियार कर सकता था, लेकिन मेरी तहजीब, मेरी तालीम और मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई के हाथ से माइक लेकर कोई बात करूं, वरना मैं कल ही माइक ले लेता और इस बात लैंड क्रूजर का जवाब तो मैं कल ही दे देता, और मैं ये भी दावा किया MQM पाकिस्तान के साथ आप मफाहमत कर रहे हैं भाई, आप मेरे साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और मेरे सामने ही कह रहे हैं कि MQM कल भी अल्ताफ हुसैन साहब की थी, आज भी है और कल भी होगी। तो मैं माइक लेकर यह कह सकता था कि MQM 22 अगस्त तक जरूर अल्ताफ हुसैन साहब की थी, लेकिन उस वक्त भी ये महाजरों और पाकिस्तान के मजलूमों के उम्मीद का मरकज थी, और 23 अगस्त के बाद ये MQM ना मेरी है ना तेरी है, ये पाकिस्तान बनाने वालों और उनकी औलादों की है। देखें भाई, अल्ताफ दुश्मनी में आप इतना आगे ना जाएं कि जमहूरियत और महाजरों की के मैंडेट की तजलील करें। आप का अगर ये मंशूर है
कि आप महाजर नाम की सियासत नहीं करना चाहते। कल मेरे कारकुनान जो सोशल मीडिया पर थे पूरी रात, मुझे मालूम है कि उनकी आंखें अश्क बार थीं। उन वो जारो कतार बिलक बिलक के रो रहे थे, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मफाहिमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरे भाई ने टोन इख्तियार की, जो गुफ्तगू की, वो आपका मंशूर हो सकता है, लेकिन आपको ये बात करनी थी कि मकसद क्या था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सियासी इत्तेहाद का और आगे जाके इलेक्शन इत्तेहाद का। मैंने जरूर कहा कि एक मंशूर हम उनके साथ बैठ के, जो हमारा मंशूर आपका मंशूर, तो हम बैठ के गुफ्तगू करते कि चले नया मंशूर बनाए। हम ये इसरार करते कि सिंध के शहरों की सियासत की अलामत पतंग है। हम ये इसरार करते, झंडे पर भी हम इसरार करते। भाई 5 नवंबर को मैं कह रहा हूं कि M2M पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रैकन विथ। M2M पाकिस्तान एक हकीकत है, उसे, उसके मैंडेट को, उसकी कुर्बानियों को हर खास व आम को तस्लीम करना होगा। M2M इज हियर टू स्टे। M2M इज नॉट गोइंग एनीवेयर। M2M कहीं पर नहीं जा रही है। और मेरे सामने ही बैठकर तुंद और तेज लहजे में कह रहे हैं कि M2M के साथ तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो भाई आप किसके साथ बराबर में बैठे हैं? फिर किससे बात कर रहे थे आप अगर M2M से बात नहीं कर रहे थे? और आप कह रहे हैं इतनी मजा, भाई ईमानदारी की बात है, अनीस कायम खानी भाई से मेरी एक मुलाकात हुई है आज से चंद रोज पहले। उससे पहले हमारा कम्युनिकेशन जरूर था। मैं कहीं पर भी मुस्तफा कमाल भाई के साथ अकेला नहीं मिला। सोशलाइजिंग में मिला हूं या मेरे साथियों की जो गुफ्तगू हुई है वहां अगर कोई मुलाकात हो गई। ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं कितनी हमारी मुलाकातें हुई हैं, है 6 महीने से। अब अगर इस 6 महीने की तफसील में भी जाना है तो मैं एक और बात बता दूं। ये वाला पोर्शन मैंने सीगा राज में रखा। मैंने एक खत तैयार किया है जो मैंने वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकन अब्बासी को आज अरसाल किया। एक खत मैंने भेजा है जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अरसाल किया। एक खत मैंने उसकी उसी की कॉपी DGMI को भेजी है, DGISI को भेजी है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भेजी है। ये खत मैंने आज अरसाल कर दिया है। अगर वो 6 महीने की तफसील में जाना चाहते हैं तो फिर मैं वो खत भी फिर पब्लिक करूंगा। वो खत भी फिर मैं जाहिर करूंगा। 35 साल में इस मकान, दोस्तों की दी हुई लैंड क्रूजर और एक इज्जत है जो मैंने कमाई है। इसके अलावा मेरी कोई जमा पूंजी नहीं है। मैं दावा करता हूं पूरी दुनिया में कहीं अगर मेरा कोई बैंक बैलेंस या अकाउंट हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। मेरी एक गाड़ी है ये, और ये भी मैंने पार्टी के नाम पर रखी हुई है, इसे भी मैंने अपने नाम पर मुंतकिल नहीं कराया। कल हमारे दिल दुखे, हम क्या जज्बा लेकर गए थे,
और हमें क्या सिला मिला। मैं गिला कर रहा हूं अनीस कायम खानी भाई से, गिला कर रहा हूं। आप कहते हैं कि हम महाजिर का नाम लेंगे तो अल्लाह ना करे कराची के पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तून हमसे भाई महाजिर का नाम लेने के बावजूद एक पख्तून मोहम्मद अली सैफ, कर्नल ताहिर मशदी और एक और मियां आतिक, ख्वाजा सुहेल मंसूर अहमेने, वकार शाह, हमारे एमपीए हजारवाल भी हैं, पंजाबी भी हैं, पंजाबी हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, राबता कमेटी में भी हैं। अच्छा, अगर आप इतना ही कौमी सियासत का दावा करते हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि पीएसपी मुझे इस कौमी सियासत का बीड़ा उठाने के बाद, महाजिरों की सियासत से दस्तबरदार होने के बाद, अब ये लाइट भी एक साजिश के तहत बंद कराई गई है। सुने 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 बेटा, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुप के खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुप के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जो डटे हुए हैं महाज पर, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुप के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। उसी सीगे में है कि फिजाओं में न ढूंढ तू, ना ही मखबरों में तलाश कर। जो सलीब पर हैं सजे हुए, मुझे उन सरों में तलाश कर। तो मेरा ये कहना है कि अगर कौमी से आप महाजिर सियासत से दस्तबरदार हो गए, तो भाई एमक्यूएम तो महाजिरों की सियासत भी करेगी, एमक्यूएम पाकिस्तान, और मजलूमों की सियासत भी करेगी, मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास पाकिस्तानियों की भी सियासत करेगी। और अगर पाकिस्तान बनाने का बीड़ा और उसका हरावल दस्ता महाजिर थे, तो आज पाकिस्तान बचाने का हरावल दस्ता भी इंशाअल्लाह ताला। सुने भाई, मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं चैलेंज देता हूं। कराची में तो जो इलेक्शन में होगा इंशाअल्लाह ताला, उसका नतीजा तो 5 नवंबर 2017 के हमारे जलसे में अवाम की इतनी बड़ी तादाद ने शरीक दिया, ये हमारा टेक ऑफ पॉइंट था। हमने 2018 के लिए अपनी कमरे कस ली हैं। 2018 में क्या होगा, ये 5 नवंबर को लोगों ने फैसला दे दिया है। इतना बड़ा जलसा और कोई करके बता दे, चलें। 3 दिन के नोटिस पर जलसा किया हमने, ये 3 दिन की मोबिलाइजेशन थी और उसमें हमने ये लाखों लोग जमा कर दिए। आप कहते हैं कि आप महाजिर सियासत करना ही नहीं चाहते, तो चलें फिर मैं चैलेंज देता हूं कि आप पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं तो आइए लाहौर से एक सीट मुझे पीएसपी जीत के बता दें। मैं
मैं ये कहता हूँ, सुने मैं ये कहता हूँ, पिशावर से एक सीट पीएसपी जीत के बता दे मुझे, चले मुझे मुझे एक सीट कोयटा से और लाड़काना से जीत के बता दे। खुदा की कसम हम एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान का सब लाल सफेद झंडा और ये पतंग का निशान तुम्हारे हाथों से दफन नहीं कराएंगे, हम खुद दफन कर देंगे खुदा की कसम। चले दो हजार अठारह कौमी सियासत करने का दावा करने वाले लाहौर, पिशावर और कोयटा से, लाड़काना से मुझे सिर्फ एक एक सीट जिता के दे, फिर मर्जर वर्जर किया हम खत्म ही कर देंगे भाई अपनी सियासत। फिर हम चले, वो तो फिर वो भी बाद में देंगे चैलेंज, अभी तो जब आपने पूरे, अरे मेरे भाई वो जो पूरे मुल्क की सियासत कर रहे हैं पीएमएलएन, उनकी कराची में एक सीट नहीं है मेरे भाई। देखें लिबादा, कौमी लिबादा ओढ़ लेने से कोई कौमी सोच का हामिल नहीं हो जाता, आपका अमल कौमी होना चाहिए, दावे नहीं। हमने लंदन को छोड़ा तो क्यों छोड़ा, कौमी सोच के लिए, कौमी वहदत के लिए, पाकिस्तान के लिए, आईने पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के लिए छोड़ा हमने। अब हम एक साल से इजाजत मांग रहे हैं कि हमें यादगार शोधा पर जाने दें, हमें शोधा कब्रिस्तान पर जाने दें। पीएसपी वाले तो नहीं जाना चाहते, ना जाएं, लेकिन हम तो जाना चाहते हैं। हम तशद्दुद की, हम सुने, हम तशद्दुद की लेगेसी से अलहदा हुए, लंदन से अलहदा हुए, अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदा हुए, लेकिन जो हमारे शोहदा हैं हम उनकी कुर्बानियों से अलहदा नहीं हुए। चाहे वो चाहे वो पाकिस्तान बनाने के 20 लाख शोहदा हों, चाहे वो मशरकी पाकिस्तान बचाने के 7 लाख शोहदा हों, चाहे वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत के दौरान ट्रेनों में कटे हों, 20 लाख तो जानों का नजराना और लाखों असमतें और इज्जत कुर्बान की पाकिस्तान पर। हम उस लेगेसी से अपने आप को कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे मेरे भाई? आप करें वो कौमी सियासत जो पाकिस्तान बनाने वालों के लिए ये भी ना कह सकें कि महाजरों को पाकिस्तान में तीसरे दर्जे का शहरी बना दिया। जब तक महाजर पाकिस्तान के पहले दर्जे के शहरी नहीं बनेंगे, हम शायद दिल से कौमी सियासत ना कर सके मेरे भाई। हमारे दिल वैसे ही दुखे हुए हैं, हम कर रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स, कराची में जरई जमीनें नहीं हैं, ये हम सिंध के गांव गोठों, हम पाकिस्तान के जो जरई इलाके हैं हम वहां की बहनों और बेटियों के लिए, उन्हें हुकूक दिलाने के लिए, कमियों हारियों जमींदारों को हुकूक दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। ये महाजरों से कोई ताल्लुक नहीं लैंड रिफॉर्म्स का। मकामी हुकूमत की बात कर रहे हैं तो वसीम अख्तर के लिए नहीं, तैयब भाई के लिए नहीं, कराची हैदराबाद के मेयर के लिए नहीं, बल्कि लाड़काना, दादू, खैरपुर, सक्कर, नवाबशाह, ठट्टा, बदीन, वहाँ के मेयर और बल्दियाती इदारों
के इख्तियार और वसाइल के लिए बात कर रहे हैं और इसका फ़ायदा लाहौर, पेशावर, कोयटा के मेयर को भी होगा। हमारी कौमी सियासत है। महाजर का नाम इसलिए लेते हैं कि जिनकी कुर्बानियों के तुफैल ये मुल्क बना, चाहे वो मशरकी पंजाब से आए या चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी सूबे से आकर सिंध के शहरों में आबाद हुए। उनका जिक्र करना पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए लाजमी है। उनकी कुर्बानियों को याद करना पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए लाजमी है कि किसी कौम को ये मालूम ही ना हो कि जिंदा कौमें वो होती हैं जो अपने आबाओ अजदाद और मुल्क बनाने वालों की कुर्बानियों को याद करती हैं।